हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं अपनी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही तरह का मोटिवेशन शायद पढ़ाई में हेल्प नहीं करता। अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी तो हो सकता है आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा गियर अप हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम करती थी जब मैं पढ़ाई करती थी। क्योंकि हर समय सिर्फ हाँ अच्छा करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, ये हर समय काम नहीं करता। ये सब चीज़ें भी बहुत हेल्प करती है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया ही रखा है कि जब मुझे MBBS मिला था उस समय मुझे कैसा फील हुआ था। तो अभी मैं उससे एक महीने तक की बताती हूँ कि हाउ माई होल टाउन अप्रिशिएटेड मी एंड माई पेरेंट्स अप्रिशिएटेड मी। सो द थिंग वॉज कि जब मैं सेलेक्ट हो गई थी, मैं अपने होम टाउन आई, तो फिर वहाँ छोटा सा टाउन है मेरा, लोगों को पता चल गया कि मुझे एम्स दिल्ली मिला है। एक लोग से दूसरे लोग तक खबर चली ही जाती है। देन जो पेपर वाले थे वो दोज पीपल वॉन्टेड टू कम एंड टेक माई इंटरव्यू, बट द डे वेन दे वर कमिंग, उस दिन मैं पूजा करने के लिए कहीं गई हुई थी। मतलब हम लोग रोड ट्रिप पर गए हुए थे, देन वो इंटरव्यू नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद मेरे पापा खुद ही गए उस पेपर वाले के पास और उनको सारी बात ही बताएं कि मैंने कैसे तैयारी की, मेरा क्या एम था, जो भी मेरे पापा को पता था। एंड दे पोस्टेड ऑन द न्यूज़पेपर एंड इट वाज आफ्टर दैट। फिर एक दूसरा न्यूज़पेपर वालों ने भी एक छापा, आपको ये देख सकते हैं आप। तो इट वॉज़ रियली ग्रेट। आई रिमेंबर वन थिंग कि जब मैं 9th में थी उस समय मैं देखती थी मेरे पापा उन सब स्टूडेंट्स की जो इंटरव्यू छपती थी उसको पढ़ते थे, और उसको मैंने एक बार देखा था कि वो काट के अपने पास रख भी रहे थे। आई आस्ट हिम, देन ही सेड कि बेटा तुम लोग भी कभी ऐसा करना। देन इट वॉज़ लाइक कि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन 9th और 10th, आई वॉज लिटरली बिलो एवरेज आई वुड से, बट आई थॉट कि ठीक है मेरे से तो होगा नहीं ये सब, चलो ठीक है ठीक है। बट आई वॉन्टेड टू डू, आई वॉन्टेड टू मेक हिम फील द सेम वे फॉर माई सेल्फ, बट आई वॉज लाइक ओ इट्स नॉट पॉसिबल। बट जब ये चीज़ हुआ एंड वेन ही वॉज कटिंग माई इंटरव्यू, देन इट वॉज विच ही ओनली गेव, सो इट वॉज रियली ग्रेट। इट वॉज आई फेल्ट सो फुलफिल्ड एंड सो ओवरवेल्म्ड कि लाइक ही द थिंग ही वॉन्टेड इट्स एक्चुअली इट्स कमिंग ट्रू। तो मतलब मुझे लगता है कि ये अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, अपने पेरेंट्स को खुश करवाना इज़ लाइक इट्स अ ग्रेटेस्ट मोटिवेशन टू स्टडी, टू वर्क हार्ड, बिकॉज दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। एंड ये तो बस ये एक चीज़ थी। घर पे सेलिब्रेशन तो होता ही है, लोगों रिलेटिव्स को पार्टी दी ही जाती है, दैट इज़ रियली वेरी कॉमन। लेकिन मेरे टाउन ने यहाँ पर एक क्लब है, लाइन्स क्लब, जिसमें जब उन लोगों को पता चला कि मुंगेर में बस मेरा ही सिलेक्शन सिर्फ एम्स दिल्ली में हुआ है, वैसे और भी स्टूडेंट हैं जो कि दूसरे एम्स में है बट मेरा सिलेक्शन हुआ है, देन दे ऑर्गेनाइज्ड अ इवेंट। इट वाज जस्ट दैट इवेंट वाज जस्ट टू अप्रिशिएट मी। लाइक आई थॉट कि कुछ होगा जिसमें कि मुझे भी एड्रेस कर देंगे, बट दैट इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज जस्ट फॉर मी, टू ऑनर मी। आई वोंट से ऑनर मी, आई वुड से अप्रिशिएट मी। So then I went there and I saw it. I was only there so and there were lots of people, there were lots of doctors who of my town, they said really nice words about me. They or उसके बाद एक मुझे लगता है एक घंटे का चला होगा वो, उसके बाद मेरे से पूछा गया तो मैंने सिर्फ यही बताया कि I wanted my father and my mother to be proud of myself and to be happy. Just for that I did, because कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत average student रह चुकी हूँ, but ठीक है मेरे dreams बहुत high हैं, ठीक है। तो मुझे 10th में ये बात लगी थी कि यार parents को थोड़ा, मतलब मम्मी पापा को थोड़ा proud feel कराना है, and for that I was working for like 4 years continuously and I did that. I won't say that I am a very high ranker, but I am a proud achiever. So I wasn't even happy about my rank, but my whole those people, those doctors told me that ki it's okay, it's not a big thing. You competed, you did that. That is a big thing. Don't feel bad about yourself. Then
देन दे गेव मी बुके, देन दे गेव मी दैट शॉल, देन देर वर सम स्टफ ऑल्सो, सम गिफ्ट्स, एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो ऑनर्ड माई पेरेंट्स सेपरेटली सेपरेटली. इट वॉज लाइक इट वॉज सो गुड. आई वॉज वॉचिंग दैम एंड दे वर रिसीविंग द बुके एंड इट वॉज रियली वर्थ इट. दैट टाइम आई फेल्ट लाइक ओ गॉड थैंक यू सो मच. लाइक आई नेवर थॉट कि इतना अच्छा होगा, इतना इतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी सेलेक्शन के बाद. आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि और उसके बाद फिर से पेपर में आया कि आई वॉज ऑनर्ड एंड इट्स स्टिल देयर ऑन इंटरनेट एंड इट्स रियली लाइक आई एवरी टाइम इन एम्स व्हेन आई फील लो, व्हेन आई फील कि बहुत टफ हो जा रहा है बिकॉज एम्स में पढ़ाई काफ़ी टफ है. तो मुझे उस समय फिर ये सब चीज़ें जब मैं याद करती हूँ कि कितना अप्रिशिएट किया गया था मुझे उस समय, फिर मैं फिर से गियर अप हो जाती हूँ. क्योंकि गाइस ये सिर्फ ये सिलेक्शन सिर्फ वहाँ पे जर्नी ख़त्म नहीं होती है, वो सक्सेस मिलने के बाद जर्नी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद की जर्नी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. सो आई गेस गाइस ये जो मैंने आपको बताया आपको हेल्प करेगा. मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपको सिलेक्शन लेने के लिए अगर कोई भी चीज़ मदद कर रही हो, फेम हो या अप्रिसिएशन के लिए करना चाहते हो या किसी भी चीज़ के लिए करना चाहते हो, जो भी रीज़न आपको एनर्जाइज कर देता है दैट रीज़न इज़ वेल इनफ. क्योंकि ये चीज़ ऐसी कुछ ख़राब नहीं है कि फेम के लिए तुम पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं. अगर फेम के लिए पढ़ना चाहते हो फेम के लिए पढ़ लो, क्योंकि एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो बहुत इज्जत मिलेगी. और मुझे लगता है कि ये इज्जत जो मुझे मिली और जो इज्जत मेरे कारण मेरे पेरेंट्स को मिली, दैट वॉज टोटली वर्थ इट. लाइक आप इस एज में, लाइक इन योर एज ऑफ 17 और 20, इफ़ यू आर डूइंग दिस, इफ यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड इन फ्रंट ऑफ योर होल टाउन, इफ़ योर पेरेंट्स आर बींग अप्रिशिएटेड इन फ्रंट ऑफ द होल टाउन एंड इट्स ऑल इन द पेपर कि आपके पेरेंट्स बुके रिसीव कर रहे हैं, इट्स ह्यूज. यू अगर आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई रिमेंबर वन डे माई फादर टोल्ड वन ऑफ माई रिलेटिव, आई वॉज सेटिंग समवेयर इन द कॉर्नर, आई वॉज जस्ट लिसनिंग, ही सेड कि अगर मुझे कहीं भी MBBS मिल, ही विल बी द किंग, बट आई वॉन्टेड एम्स दिल्ली. So when I got, then I thought, oh God, okay, that is just the thing. So guys, I think कि मेरा ये experience जो मैंने आपको share किया है, आप भी जब select हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी और वो कितना अच्छा फीलिंग होता है. सो आई गेस कि आप लोग आज से तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे, चाहे एम्स जाने के लिए या चाहे MBBS करने के लिए या फिर इस फेम के लिए. क्योंकि इट्स नॉट बैड, आई वुड से इट्स नॉट बैड. ऐसा नहीं है कि आपको घमंड हो जाएगा इसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है यार. बस पढ़ लो, पढ़ के कैसे भी सेलेक्ट हो जाओ. जो भी रीज़न मदद करती है, जो भी रीज़न आपको गियर अप कर देती है, कर लो. क्योंकि मुझे याद है आकाश में एक सर थे, वो बोलते थे कि सिलेक्शन के लिए शाम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा लो, लेकिन सेलेक्ट हो जाओ. तो थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही.